फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फेस वॉश करने के बाद टिशू से भी क्लीन कर रही हूँ। और जो है अभी मैं टोनर लगा रही हूँ, गुड वाइब्स का है, रोज वाटर है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसको मैं अपने हाथों के हेल्प से हवा दे रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ। ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको थोड़ा फेस को टोनर को मिक्स कर ली हूँ अपने फेस में। अभी मैं लगा रही हूँ सीरम लगा रही हूँ, वो भी है गुड वाइब्स का, जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग के पास जो चीज है उससे भी कर सकते हो आप इसी तरह से। तो इसको भी मैं फेस पे अप्लाई करूंगी डैप डैप करके, जो जिससे कि स्मूथ लगे मुझे, और पूरा नेक वेक ईयर वियर जहां जहां मेकअप करना है वो हर जगह लगाना है। तो ये सब लगाने के बाद अब जो है मैं लगाऊंगी एक लिप बाम, जिससे कि मेरा होंठ ड्राई ना हो मेकअप के वक्त, इसलिए मैंने लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर जो कि लैक्मे एब्सोल्यूट का है, और डॉट डॉट करके और डैप डैप करके मिक्स करूंगी, फेस पे अप्लाई करूंगी। ये अप्लाई होने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, वेट करने के बाद देख ली हूँ जो पूरा फेस पे अच्छा से लग गया है। तो अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं मेबलिन फिटमी का, ये भी मैं लगाऊंगी पूरा फेस पे डॉट डॉट करके और डैप डैप करके, क्योंकि आपका फेस के लिए बेस बहुत अच्छा से रेडी करना पड़ता है, तो बेस पहले रेडी कर रहे हैं। तो ये सब लगने के बाद देख सकते हो आप मैं कैसे डैप डैप करके उसको पीट पीट के लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हो, और पूरा अच्छे से अप्लाई करना है। पूरा आई वाइप मैं पूरा लगा ली हूँ, तो इसी तरह से आप लोग को भी करना है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर जो कि लैक्मे 9 to 5 है, और आपके पास जो भी है वो लगा सकते हो। इसको भी मैं ऐसे लगा रही हूँ, मल के नहीं लगाना है, रगड़ के स्किन को डैप टैप करते हुए लगाना। अभी आई शेडो लगा रही हूँ जो कि ये कोई लोकल दुकान से ही मैं खरीदी हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कलर ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का सा पिंक, हल्का सा न्यूड टाइप का लगता रहता है देखने में, तो देख सकते हो ये वाला अप्लाई कर रही हूँ, और जो कि फ्लफी ब्रश से मैं कर रही हूँ। ये आई मेकअप मैं ब्रश से कर रही हूँ, हाथ से भी कर सकते थे बट ये ब्रश से कर रही हूँ, अच्छा से अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड सर्कल में घुमा घुमा के मुझे पूरा आईलिड जो होता है वहां पर लगाना है, और दूसरे आई में भी सेम करना है। ये सब करने के बाद अब मैं आईब्रो फिल करूंगी, जो कि ये है स्विस ब्यूटी का, और जो हम पहले ब्रश ये करेंगे आईब्रो को ब्रश से अच्छा से मैं सेट कर लूंगी, उसके बाद जो आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी। तो आप देखते रहिए, इस तरह से आप भी कर सकते हो। आईब्रो पेंसिल अप्लाई कैसे कर रही हूँ आप देख सकते हो, उसी तरह से आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेकअप लुक जो है आप किसी भी फेस्टिवल में रेडी हो सकते हो, अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसमें भी, और जो बाकी आप किसी पार्टी में जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उस सब में रेडी हो सकते हो इस तरह से। और दोनों आईब्रो को मैं इसी सेम तरह से सेम इससे करेंगे, और कलर करने के बाद ब्रश करेंगे।
और देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ उस टाइप से करने से आपका भी आईब्रो बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरा देख सकते हो पहले कैसा था, अभी कलर करने के बाद कैसा है। अब जो है मैं कंसीलर ली हूँ, कंसीलर से मैं इसको सेट कर लूँगी जिससे कि ये आईब्रो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे लगेगा मतलब आईब्रो उभरा उभरा जैसा लगेगा, ऐसा नहीं है जो मतलब एक आईब्रो देखोगे अब मेकअप के करने के बाद अच्छा नहीं लगता रहता। अभी मैं ये लगा रही हूँ आईलाइनर, हल्का विंग्स निकालते हुए इन साइड से विंग्स निकालूंगी, हल्का सा विंग्स, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा ये नहीं। तो आप देख सकते हो कैसे लगा रही हूँ मैं, और ये मेकअप लुक मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और नीचे आईलेट में भी आईलाइनर लगा रही हूँ, और ऐसे ही सेम मैं दूसरे आई में भी करूंगी। अब मैं काजल पेंसिल ली हूँ जो कि नीचे आईलेट से लेके ऊपर में भी लगा लूंगी, ऊपर आईलेट और नीचे आईलेट दोनों में लगाऊंगी, इनर कॉर्नर से लेके पूरा ऐसे करके जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे आप भी लगा रख सकते हो, और दोनों आई में लगाना है। और जब काजल नहीं चलता रहता ना तो उसको मैं थोड़ा सा हेयर में कर लेती हूँ तो वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए मैं वो ड्राई हो जाता रखा रखा इसलिए। अब मैं जो है कंसीलर लेके नीचे के तरफ भी मैं उसको सेट कर रही हूँ, और जो है आईशैडो पैलेट जो मैंने ऊपर में लगाया था वही आईशैडो मैं नीचे में भी लगा रही हूँ, और उसको मैं हाथ से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब जब मेकअप करते रहते हो तो खुद पता चलता रहता है जो यहाँ पर ये चीज अच्छा से हुआ नहीं है, तो उसको हाथ से। अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ फेस को, जो कि देख सकते हो किस तरह से आई शेडो पैलेट में जो न्यूड कलर होता है उससे ही मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से नोज को और चिक को की हूँ, क्योंकि मेरा चिक फुला फुला है इसलिए मैंने ऐसे किया है, और ब्लश भी मैं इसी तरह से लगाती हूँ क्योंकि मेरा चिक फुला फुला है, थोड़ा सा फ्लफी हो है इसलिए। और आपका जब अगर पतला है तो उसको स्माइल करते हुए करोगे, आप अगर मोटा है तो आप उसको जैसे पाउट बना के करोगे तो अच्छा बनेगा। अब मैं ले ली हूँ हाइलाइटर, ये भी मेबलिन का है, और मैं जो ये ब्लश ली थी वो सुगर का था, और इस तरह से हाइलाइटर लगाई हूँ। हाइलाइटर ब्रश से लगाने से हाइलाइटर बहुत अच्छा से अप्लाई होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिप बॉम जो लगाई थी मैं लिप पे वो क्लीन कर ली हूँ, और लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं लिप को ड्रॉ कर ली हूँ, अब जो है लिपस्टिक लगाऊंगी। आप यहाँ पर आप कोई भी कलर अपने मनपसंद का ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ये वाला कलर लगाया है, इस मेकअप के लुक के हिसाब से परफेक्ट है ये। अब जो सब मेकअप हो गया है तो मैं मस्करा लगा रही हूँ, पहले मस्करा को ऐसे कर लिया, उसके बाद मस्करा लगाऊंगी। आईलैशेस को पहले मैंने कॉम किया, फिर उसको मस्करा से जो वो होता है ना क्या नाम अभी याद ही नहीं आ रहा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मस्करा लगा लूंगी। जो जब मैं आईलैश मस्करा लगाने के बाद जो बचेगा ड्राई वो मैं आईब्रो को सेट करने में उसको लगा लूंगी, तो अच्छा सा आईब्रो सेट हो जाता है। अब मैं मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का है, और हाँ आईब्रो पेंसिल भी स्विस ब्यूटी का था, बहुत अच्छा होता है आईब्रो पेंसिल स्विस ब्यूटी का। तो मेकअप पूरा